आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम करने वाले अनबॉक्सिंग दुनिया के सबसे छोटे मोबाइल फोन की जो कि फिलहाल है मेरे पास में इस मुट्ठी में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और पता लगाते हैं कि अगर कितना छोटा है ये सबसे छोटा मोबाइल फोन और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आप में से किसी एक व्यूअर को मिल सकता है। दोस्तों ये है Zenko Tiny T1, लिखा हुआ है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फोन बाय Zenko, मेंशन किया गया वेबसाइट को जो कि है zenimobiles.com। ऊपर लिखा गया है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फोन और पीछे में मेंशन की गई है कुछ मेन हाइलाइट्स जहां पे बताए गए हैं फोन के कुछ फीचर्स। नैनो साइज फोन है, आप इसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह को सिंक कर सकते हैं अपने मेन फोन के साथ में। मोनो डिस्प्ले है, वॉइस चेंजिंग वाला फीचर है, 3 दिन का स्टैंड बाय, 3 घंटे का टॉक टाइम, ब्लूटूथ 3.0 बेस के साथ दोस्तों आता है ये फोन। नैनो सिम लगेगी, स्टोर कर पाएगा 500 कॉन्टैक्ट्स और इनफैक्ट यहाँ पे मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है जहां पे हिंदी और उर्दू का सपोर्ट मुझे क्लियरली दिख रहा है और यहाँ पे अलग अलग वॉइस चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी फोन पे करते हैं बात तो आप बन सकते हैं मैन, वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड, कार्टून, यंग, ऑप्टिमस, डक, रोबोट, एवा, वॉली, रैपमैन और रैप वुमेन। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास में यूनिट है ये एक रिटेल यूनिट नहीं है, ये है इस फोन का एक प्रोटोटाइप। जो एक्चुअल फोन है वो आएगा मार्केट में अराउंड मई के महीने में इसी साल और ये जो फोन है इनफैक्ट ये मिल सकता है आप में से किसी एक व्यूअर को। अगर आते हैं इस वीडियो पे लाइक का टारगेट हम रखते हैं 150,000, तो अगर इस वीडियो पे 150,000 लाइक्स आते हैं तो मैं करूंगा इस फोन का गिव अवे जो कि आप बन जाएंगे बहुत ही स्पेशल इंसान। क्योंकि ये दोस्तों इकलौता फोन है दुनिया में जो मेरे हाथ में इस टाइम पे जो कि है रेड कलर का, इसकी आपने वीडियो आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, करते हैं इसको अनबॉक्स। आई होप फोन इसके अंदर है बिकॉज काफी हल्का लग रहा है मुझे डब्बा। तो अंदर क्या निकला? ये निकला अंदर Zenko Tiny T1। यार मतलब मैंने इसकी पहले कुछ फोटोज देखी थी, मैंने इसकी वीडियोस देखी थी लेकिन मैंने इसका साइज का आइडिया लगाया था लेकिन इमेजिन नहीं कर पाया कि इतना छोटा निकलेगा। ये एक्चुअली बहुत ही छोटा सा फोन है, मेरे अंगूठे से भी छोटा है। और इसके अलावा यहाँ पे बॉक्स में अंदर क्या मिलता है, तो बॉक्स में अंदर है हमारे पास में एक USB 2 micro USB केबल और साथ में एक सिम इजेक्टर टूल। उसके अलावा अगर आप लेंगे बाद में मेन रिटेल बॉक्स तो डेफिनेटली वहां पे यूजर गाइड तो मिल जाएगी, लेकिन जो भैया मेन हाईलाइट है वो है ये। मतलब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे यार, कितना छोटा? ये कुछ 12 या 13 ग्राम का वेट है जिसमें 200 mAh की बैटरी भी है। भैया फोन पे आप बात भी करते हैं, सारे कंपोनेंट्स भी लगे हैं, तो टेक्नोलॉजी को हम श्रिंक करते करते कितना टाइनी बना चुके हैं दोस्तों। ये है हमारे सामने इसका एग्जांपल, हटाते हैं इस रैप को, देखते हैं कि भैया फोन कैसा है। तो ये है सामने Zenko Tiny T1, पीछे है आपके लिए एक स्पीकर, नीचे मिलता है यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट फोन को चार्ज करने के लिए, साथ में है मेन माइक्रोफोन, सामने की तरफ है ये भैया फोन, ऊपर है स्क्रीन और कीपैड, सामने नीचे एक और छेद है, ये आई थिंक एक और माइक है या क्या हम चेक कर लेंगे, साइड में है स्लॉट सिम कार्ड लगाने के लिए जहां पे आप लगा पाएंगे नैनो सिम को, ऊपर और इस तरफ कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे कॉर्नर में आपको मिलता है एक स्लॉट जहां पे आप लगा सकते हैं मतलब अपने किचन वगैरह में अटैच करने के लिए किसी स्ट्रिंग को। तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है Zenko Tiny T1 और जो ऊपर Tiny T1 लिखा है वो है कोने में, आई थिंक आप देख पा रहे हैं। तो यार बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फोन है। साइज कंपैरिजन के लिए मेरे पास में कुछ यहाँ पे आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मेमोरी कार्ड है, अभी आप देखो कि मेमोरी कार्ड के साथ में ये फोन का साइज क्या लगता है। इसके अलावा मेरे पास में यहाँ पे एक ये शार्पनर है, तो ये देख लो कि फोन कैसा लगता है। इसके अलावा मेरे पास में यहाँ पे अपना इंडिया का 10 रुपए का सिक्का है, तो ये देखो कि मतलब क्या यार, ये कितना छोटा सा फोन, इसको आप पता नहीं कहाँ कहाँ कैरी कर सकते हैं। साथ मेरे पास में ये एक मेमोरी कार्ड रीडर है, तो आप ये देखो इससे तो डेफिनेटली फोन छोटा है। एप्पल का जो आता है अपना एयरपॉड्स, तो वो देखो ऑलमोस्ट इस फोन से डबल साइज के हैं भैया एयरपॉड्स, जो कि अपने आप में काफी छोटे हैं लेकिन ये फोन उससे भी छोटा है। मुझे जो मिलता है इसका परफेक्ट मैच वो है ये, और ये है एक डबल ए सेल, तो ये एकदम ऑलमोस्ट इस फोन के बराबर है। तो आप इमेजिन करने के लिए इसको इमेजिन कर सकते हैं कि भैया इतना बड़ा ये फोन होगा ऑलमोस्ट, हालांकि थोड़ा सा डबल ए सेल बड़ा ही है इस फोन से। और यहाँ पे इनफैक्ट जो मेरा फेवरेट नोकिया का 3310 है उसके सामने देखो इस फोन को, मतलब यार ये तो जादू सा हुआ है कि मतलब ये भी एक्चुअल में कोई फोन है कि कोई बिलीव करेगा कि ये एक मोबाइल फोन है और इसको आप तरह तरह से यूज कर सकते हैं। करते हैं ऑन, देखते हैं इसके अंदर बैटरी है या नहीं है। आई थिंक इसी बटन से ऑन होगा, पहले फोन हम यहीं से ऑन करते थे, ऑन करते हैं स्क्रीन, देखते हैं कुछ पढ़ पाएंगे क्या। क्या बात है, Zenko लिखा हुआ आ गया, देखते हैं इस फोन का बूट टाइम क्या है और हो जा ऑन हो जा क्या बात है, 10:06, हालांकि टाइम शायद कहीं और का सेट है। कोने में दिखा रहा है बैटरी भैया फुल है, सिग्नल जीरो है बिकॉज सिम नहीं है और शायद फोन जो है वो है रिंगिंग मोड पे, तभी ऊपर आ रहा है म्यूजिक का साइन। और यहां पे आप बटन अगर डायल करते हैं फॉर एग्जांपल नंबर कोई, तो अच्छा ये बोलता भी है साथ साथ 9 9 9 9, क्या बात है। और उसके अलावा यहां से आप जाएंगे तो ये आएगा
कॉल लॉग, ओके, इधर है ब्लूटूथ के लिए लॉग, और मेन्यू आई थिंक यहाँ से आएगा। तो इधर से अपन गए मेन्यू में, फोन बुक, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, ब्लूटूथ डायलर। मतलब हाँ, इसको अगर आपने मेन फोन से कनेक्ट करेंगे तो आप ब्लूटूथ के थ्रू बहुत सारे काम शायद कर पाएंगे, आप फोटोज वगैरह क्लिक कर पाएंगे, आप नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे। इस फोन में तो ये एक सेकेंडरी स्क्रीन का काम कर सकता है। अगर आपका मेन फोन कहीं और है तो ये आप अपने पास रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर सेटिंग्स, ओके, तो ऑर्गेनाइजर में क्या क्या है? ऑर्गेनाइजर में है यहाँ पे हमारे पास में मैजिक वॉइस, जो कि आप चेंज कर सकते हैं, रिमोट नोटिफिकेशंस, रिमोट आई थिंक कैप्चर होगा, हाँ रिमोट कैप्चर, और अलार्म का ऑप्शन भी है। मतलब यार ये तो फुल फ्लेज्ड एक फोन हो गया है। और सेटिंग्स में क्या क्या है? तो सेटिंग्स में प्रोफाइल्स, टाइम एंड डेट, फोन सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, कॉल सेटिंग्स और रिस्टोर सेटिंग्स, और वापस से प्रोफाइल्स। एक बार रिंगटोन्स चेक करते हैं इसकी। प्रोफाइल्स में गए, जनरल में गए, इसको किया हमने कस्टमाइज, रिंग ओनली, रिपीट, रिंग वन, वॉल्यूम वगैरह वगैरह दिया हुआ है। ओके, तो इसमें अगर मैं आता हूँ रिंग वॉल्यूम, तो ये 4 है अभी, इसको अपन चेंज करते हैं। चेंज हमने किया तो यार सुन रहे हो आप, इसको मैंने किया यहाँ पे 5, 6, 7। ये तो मतलब कमाल हुआ हुआ है। और जो रिंग टाइप है वो है रिंग वन, इसको मैं करता हूँ चेंज यहाँ पे, तो ये हो जाएगी यहाँ पे रिंग वन है, रिंग टू, रिंग थ्री, क्या बात है, रिंग फोर। ये बहुत लाउड है यार। और रिंग फाइव। तो यार मतलब क्या ये कितना इंटरेस्टिंग फोन है, जेनको टाइनी T1। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जेनको टाइनी T1 की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को तो लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए।